और जी क्या हालचाल, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रन तंत्र। और मिर्जापुर देखिए आपने, उसमें मुन्ना भैया का एक डायलॉग है कि बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और कोई आपकी योग्यता न पहचाने। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। ये डायलॉग अगर इस वक्त किसी पर फिट बैठता है तो वो है सरफराज खान। अब तो ये नाम ट्रेंडिंग है, आपने भी सुन लिया होगा। हर जगह क्रिकेट के एक्सपर्ट्स और यूट्यूबर इसी बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपके भाई ने इस नाम के लिए आवाज तब उठाई थी जब ये मुद्दा गर्म भी नहीं हुआ था। आज से 3 महीने पहले 8 अक्टूबर का वीडियो जाकर देख लो। इस वक्त ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। आपको मालूम चल जाएगा कि हम तो सरफराज खान के फेवर में तब से हैं जब ऐसा करना पॉपुलर ओपिनियन का हिस्सा नहीं था। उस वीडियो में हमने पूरा हिसाब किताब बता दिया था, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर इसी टॉपिक पर हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने सरफराज खान के नाम एक नई डिबेट शुरू कर दी है। क्या है वो डिबेट, आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो लोग पहली बार सरफराज खान का नाम सुन रहे हैं उनको बता देते हैं कि सरफराज हैं कौन और चर्चा में क्यों बने हुए हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, वरना पता चला कि पूरी रामायण हम पढ़ दें फिर आप लोग बोले कि सुग्रीव कौन है। तो भैया सरफराज खान वो हैं जो जब इंडिया के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले तो इंडिया जीतेगी या हारेगी ये बात ये से डिसाइड होता था कि सरफराज खान चलेंगे या नहीं। नेचुरली टैलेंटेड और स्ट्रोक मेकर, एक ऐसे खिलाड़ी जो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं क्योंकि उनमें लंबा खेलने का जज्बा भी है और तेज खेलने का हुनर भी। सरफराज खान वो हैं जिन्होंने जब IPL खेला तो ऐसी टीम से खेला जिसमें क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद अपना मुकाम उन्होंने बना लिया। उनका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि एक मैच में उन्होंने इतनी जानदार फिनिश करी कि विराट कोहली ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। लेकिन इसके बाद सरफराज खान का क्रिकेट करियर जरा डाउनफॉल पर चला गया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में लोग बोल रहे थे कि श्योर शॉट इंडिया खेलेगा, अचानक से गायब हो गए। और फिर पिछले 3 सालों में रणजी में उन्होंने ऐसा कारनामा किया कि सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया भर की निगाहें इस वक्त रणजी ट्रॉफी की तरफ घूम गई। सरफराज खान का बल्ला फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिछले 3 सालों से आग उगल रहा है। नंबर का हिसाब किताब ये कहता है कि दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज डॉन ब्रेडमैन के बाद फर्स्ट क्लास में जिस बल्लेबाज का एवरेज सबसे ज्यादा है वो है सरफराज खान। अब एक ऐसा बल्लेबाज जो डायरेक्ट सर डॉन ब्रेडमैन से कंपटीशन कर रहा है, कायदे से तो उसको टीम में सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन लगातार 3 साल बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद सरफराज खान स्क्वाड में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। प्लेइंग 11 तो आप भूल ही जाओ। सरफराज खान के प्लेइंग 11 में न होने पर लिटिल मास्टर गावस्कर ने क्या बोला वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं और वो ये कि एकदम फ्री फोकट में ₹2,500 कैसे जीतोगे आप? कोई कॉन्टेस्ट नहीं खेलना है आपको और न ही कहीं पर टॉप करना है। मार्केट में एकदम ताजा ऑफर लेकर आया हूं और इस ऑफर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना होगा, उस पर क्लिक करके My11Circle App को डाउनलोड करना होगा। टीम तो देखो कल बनानी है क्योंकि मैच कल है, लेकिन इस ऐप को आज ही डाउनलोड कर लो क्योंकि पहले डिपॉजिट पर ₹2,500 कैश का बोनस मिलेगा जो आज के आज डाउनलोड करने पर ही एक्टिव होगा। और डिपॉजिट करने के बाद आप My11Circle App के बोनस सेक्शन में आ जाना, वहां पर अपना बोनस कैश आप यूज कर सकते हो कॉन्टेस्ट पर डिस्काउंट पाने के लिए। यानी प्राइजेस तो बड़े बड़े हैं लेकिन एंट्री फीस छोटी है। याद रखो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, बोले तो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, और सिर्फ आज ही के दिन वैलिड है। तो फटाफट से डिपॉजिट करो क्योंकि जितना ज्यादा डिपॉजिट करोगे उतना ज्यादा बोनस कैश आपको मिलेगा। बाकी महिंद्रा थार तो जीतने का मौका है ही, जल्दी से My11Circle App को डाउनलोड करो। वीडियो पे वापस आते हैं और आपको सरफराज खान का दुखड़ा आगे बताते हैं। सरफराज खान के मुताबिक इंडिया के सिलेक्टर चेतन शर्मा ने कहा था कि उनका नाम बांग्लादेश सीरीज में आएगा। उस वक्त नहीं आया तो फिर चेतन शर्मा ने कहा कि अच्छे कामों में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के पहले 2 मैचों में सरफराज का नाम गायब है, जबकि उसी टीम में सूर्या भैया और ईशान किशन शामिल है। कई एक्सपर्ट्स इसको बहुत खराब फैसला मान रहे हैं क्योंकि रणजी ट्रॉफी इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट की सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी के हिसाब से होनी चाहिए, T20 के से नहीं। अब एक ऐसा प्लेयर जिसका फर्स्ट क्लास एवरेज दुनिया में सर डॉन ब्रेडमैन के बाद सबसे ज्यादा है वो भी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है, तो चेतन शर्मा फिर सरफराज खान की नहीं रणजी ट्रॉफी की क्वालिटी पर भी आप शक कर रहे हैं। हालांकि खुलकर कभी ये बात बोली नहीं गई है, लेकिन सरफराज खान फिटनेस के मामले में कई खिलाड़ियों से 19 है। कई लोगों को लगता है ये वजह उनके सिलेक्शन के आड़े आ रही है। ऐसे सब लोगों को सुनील गावस्कर ने जवाब दिया है कि अगर टीम इंडिया को पतले दुबले छरहरे लड़कों की जरूरत है तो किसी मॉडल को लाकर क्रिकेट खिला लो। सुनील गावस्कर ने कहा कि टीम इंडिया में सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो कि सरफराज ने झोला भर भर के दी है। अब भैया उनका ओपिनियन भी बिल्कुल सही है। क्रिकेट अगर सिर्फ पतले लोगों का खेल होता तो इंजमाम उल हक और अर्जुन राणातुंगा जैसे खिलाड़ी अपने देश में लेजेंड नहीं होते। सरफराज खान ने प्रदर्शन किया है, ऐसे में उनको न खिलाना फर्स्ट क्लास और रणजी क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे सभी खिलाड़ियों के लिए डिमोटिवेशन का काम करेगा जो हमारे डोमेस्टिक सेटअप के लिए अच्छा नहीं है। बिल आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज अपनी ओपिनियन जरूर लिखिएगा, अपनी बात जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या सरफराज खान को टेस्ट टीम का हिस्सा होना चाहिए? वो अगर आए तो प्लेइंग 11 में वो किसकी जगह लेंगे? इस मुद्दे पर आप जो भी कहना
लेना चाहते हैं बिंदास लिखिएगा, साथ में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा और डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा। आपके फायदे के लिए My11Circle ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो बढ़िया बोनस जीतने का सिर्फ और सिर्फ आज मौका है आपके पास। जी हाँ, 2500 रुपए। अगर चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, कल मैच है, टीम बनाकर आपको कल बताएंगे, खूब सारा कैश और महिंद्रा थार जीतने में भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ये है हमारा, इंस्टाग्राम ये है हमारा, इन दोनों जगह भी राम राम जरूर बोलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, जय हिंद।